नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। आप लोगों ने तो मेरी पूछा नहीं कि तबीयत कैसी है सर, मैं ही बता देता हूं कि तबीयत मेरी ठीक है, आज मुझे आराम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। आप लोग जानते हो कि ये क्लास होती है हिंदी की, और इस क्लास को हम लेते हैं सुबह 9 बजे। डेली हम आपके लिए क्लास लेकर आते हैं, डेली सुबह 9 बजे होती है। और टॉपिक चला हुआ है समास, जो हमने कल ही शुरू किया था। टॉपिक वाइज हम पढ़ रहे हैं समास। ठीक है, ये क्लास यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, आपके राजस्थान पुलिस, राजस्थान लेखपाल, यूपी टैट, सी टैट, आपका बिहार, उत्तराखंड, जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट क्लास है। आप लोग अच्छे से लोगे तो आपके बहुत काम आएगी। बहुत हिंदी किसी पेपर में अगर 30 क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए तो मैं लिख के देता हूँ, अगर किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ी है तो 25 क्वेश्चन तो करके आएगा, और किसी ने ज़्यादा ही मेहनत कर दी तो 25+ क्वेश्चन करके आएगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा वो 30 के 30 कर देगा, क्योंकि 30 के 30 नहीं होते यार, वो 20 से किसी भी किसी पोएट की पोएम से 20 से एक लाइन दे देगा और पूछ लेगा, वहाँ पे फंस जाओगे। नहीं तो आपको जितना भी देगा वो 25 क्वेश्चन से नीचे आप करोगे नहीं, इससे ज़्यादा करोगे। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, और 30 क्वेश्चन को मात्र 10 मिनट से पहले कर सकते हैं आप लोग। 30 क्वेश्चन को 10 मिनट से पहले कर सकते हैं आप लोग। तो आइए पढ़ाई करते हैं हम लोग और अपने क्लास को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या चला हुआ है? समास। क्या चला हुआ है हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक चला हुआ है समास। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक समास। समास किसे कहते हैं, क्या होता है, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, कल मैंने बता दिया है। और किसी को जानना है कि समास क्या होता है, कैसे 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 सब कुछ, तो पहले जाइए प्लेलिस्ट में, नहीं गलत, पहले चैनल को करिए सब्सक्राइब, फिर जाइए प्लेलिस्ट में, फिर वहाँ पर हिंदी क्लास होगी, वहाँ पर सर्च कीजिए हिंदी क्लास होगी, वहाँ पर आपको मिल जाएगी समास की बिल्कुल अलग से क्लास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक आज। हम मैंने आपको बताया था कि समास के प्रकार कितने होते हैं, दोबारा बिल्कुल नहीं बताऊँगा, लिखूँगा तो बिल्कुल भी नहीं। समास के प्रकार कितने होते हैं? 6 प्रकार मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से? अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई सा भी ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, ये नहीं है कि पहले पर अव्यय भाव आएगा, पहले पर आप कोई सा और भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, आज मैं शुरू करता हूं अव्यय भाव समास से। क्या? नंबर 1 पर हम डालेंगे अव्यवी भाव समास। भाव समास, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि क्या बताई थी मैंने आपको बताई थी कि प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं। बिल्कुल सही, 2 पद होते हैं, एक उत्तर पद, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। जिस पर कार्य का या अर्थ का प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है? प्रधान पद होता है, और जिस पर नहीं पड़ता उसे गौण पद बोलते हैं। तो यही इसी बात से हम शुरू करेंगे। लिखिए अव्यय भाव समास किसे कहते हैं, ठीक है, समझिए। जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, जिस समास का प्रथम पद, क्या? प्रथम पद प्रधान होता है जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है तथा उत्तर पद गौण होता है, तथा उत्तर पद गौण होता है, क्या होता है? उत्तर पद गौण होता है। प्रथम पद प्रधान होने के साथ साथ अव्यय होता है, क्या होता है? प्रथम पद पद जो है वो अव्यय होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, अव्यय होता है। अब अव्यय क्या होता है? अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं, वे अविकारी शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते, जैसे तथा, प्रति, काल। ये वे शब्द है जो किसी भी लिंग का, किसी भी कार्य का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये समान रहते हैं, अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते। ठीक है ना, तो क्या होगा? ये अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रथम पद अव्यय होता है,
क्या होता है? प्रथम पद अव्यय होता है या अविकारी होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि इस समास का प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद अव्यय होता है या अविकारी होता है। एक बात और होती है, लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, प्रथम पद जो है, प्रथम पद क्या होता है, किसकी तरह कार्य करता है? प्रथम पद उपसर्ग की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? उपसर्ग की तरह। और मैं तो कहूंगा कार्य क्या करता है? उपसर्गी होता है। लिख लीजिएगा, उपसर्ग होता है। जिसे दिक्कत है ना वो मुझे बता दीजिएगा, उपसर्ग होता है, ठीक है। देखिए इसका प्रथम पद क्या होता है? उपसर्गी होता है। मैंने दोनों बात लिख दी है, जिसको जो लिखना है वो लिख सकता है, ठीक है। अपना काम है पढ़ना और आपका, मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। बस मेहनत कीजिए, अगर एग्जाम में ना हो तब मेरे गर्दन पकड़ लेना मेरी आके, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। इस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। और लिख लीजिए, प्रथम पद जो आपका प्रथम पद होगा, प्रथम पद क्या होता है? एक ट्रिक है, पहचान है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो प्रथम पद होगा वो अधिकतर क्या होता है? आ भर प्रति, आ भर प्रति, यथा क्या होगा? आ भर प्रति यथा क्या होगा? आ भर प्रति यथा अनु क्या होगा? अनु, आ भर प्रति यथा अनु। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी के सभी आपके, मैं इसका कलर ही चेंज कर देता हूं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाए। अब दिखाई दे रहा है, आ भर प्रति यथा अनु आदि, ये शब्द इसके शुरुआत में आएंगे, अर्थात प्रथम पद यहां से शुरू होगा। कैसे होगा देख लीजिए, जैसे मैं जैसे की बात करता हूं और आपको समझाता हूं, ठीक है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि समास के नियमों से बने हुए शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं, और सामासिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, और जिस सामासिक शब्द का अगर हम समास विग्रह कर देते हैं तो क्या बनता है? समास विग्रह। अगर उसको मूल रूप में लिख देते हैं तो क्या होता है? समास विग्रह होता है। ये कल मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब देखिए आप लोग, अगर मैं जैसे की बात करता हूँ तो जैसे में आप लोग लिख लीजिए, जैसे होगा आपका प्रतिदिन, प्रतिदिन। मैंने कहा था प्रथम पद अव्यय होगा और प्रथम पद जो है वो आ भर प्रति यथा अनु आदि, मतलब इस तरह से होगा आपका, ठीक है ना। प्रथम पद इसी तरह से कुछ ना कुछ आपका हो जाएगा, ठीक है। प्रतिदिन की अगर बात करता हूं, इसका समास विग्रह करता हूं, तो प्रतिदिन का समास विग्रह होगा दिन दिन, क्या है यार, ठीक है, प्रतिदिन दिन दिन। और देख लीजिए आपका भर पेट क्या होगा? भर पेट। अब इसका समास विग्रह कर दीजिए, आप लोग कीजिए इसका समास विग्रह। अगर आप करोगे तो थोड़ा आपके लिए आसान भी हो जाएगा। पेट भर क्या हो जाएगा? पेट भर क्या हो जाएगा? पेट भर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट भर हो जाएगा। और देख लीजिए, जैसे आपका यथा संभव क्या हो जाएगा? यथा संभव। मैंने कहा था कि प्रथम पद अव्यय होगा, यथा संभव, भर पेट, प्रतिदिन। मैंने कहा था प्रथम पद उपसर्ग होगा, क्या उपसर्ग? तो दिन में उपसर्ग क्या है? प्रति। पेट में उपसर्ग क्या है? भर। संभव में उपसर्ग क्या है? यथा। अब समझ में आया ना मैंने क्यों बोला था? ताकि आप लोग आसानी से इन्हें कर सको। अधिकतर में मैंने बोला है, याद रखना अधिकतर में, कुछ में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, वहाँ पे आपको समझना ही होगा नियम के अकॉर्डिंग, लेकिन अधिकतर आपको यही मिलेगा, सब कुछ आपको आसानी से पहचान इसकी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें बिल्कुल भी। जैसे संभावना के अनुसार क्या होगा आपका? संभावना, संभावना के अनुसार ये आपका क्या हो जाता है?
कि समास विग्रह हो रहा है, ये क्या है, समस्त पद है, क्या है, समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं ये सभी शब्द, ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। और देख लीजिए, जैसे बेशर्म, बेशर्म, भाई शर्म में क्या जोड़ दिया, शर्म में हमने उपसर्ग बे जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, बे शर्म, बिना शर्म के, क्या होगा, बिना शर्म के, बिना शर्म के। अब बताइए आप लोग, मैंने कहा था ना कि ऐसे शब्द आएंगे जिनमें उपसर्ग होगा, आसानी से आप लोग से पहचान लोगे आपका क्या होगा, आपका उपसर्ग होगा और आप बहुत आसानी से उसे पहचान लोगे। अब देखते हैं हम लोग कुछ और, थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, जैसे यथाशीघ्र, यथाशीघ्र हो गया ना, यथा शीघ्र, शीघ्र में क्या जोड़ा, यथा, और यथा क्या है, अव्यय है, क्या है आपका, अव्यय है, जितना शीघ्र हो, क्या हो, जितना शीघ्र हो, जितना शीघ्र हो, ये क्या है, समास विग्रह, मैंने इसका समास विग्रह कर दिया है, जितना शीघ्र हो को क्या कहेंगे, यथा शीघ्र कहेंगे, क्या कहेंगे, यथा शीघ्र कहेंगे। और देख लीजिए जैसे आपका, और क्या हो जाएगा आपका, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आमरण, आमरण, ठीक है ना भाई, मरण में क्या जोड़ दिया, आ जोड़ दिया, क्या प्रत्यय जोड़ दिया, आ, और मैंने कहा था आ भर प्रति यथा, ये सभी क्या होंगे, इसमें आपके उपसर्ग का कार्य करेंगे, ये क्या हो जाएगा, मरण तक, क्या हो जाएगा, मरण तक, आमरण क्या होगा, इसका समास विग्रह क्या होगा, मरण तक हो जाएगा। जैसे समक्ष, समक्ष, और देख लीजिए समास विग्रह आप कर लीजिएगा आप लोग, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, आमरण हो जाएगा आपका, यथार्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यथार्थ, क्या हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा, ठीक है ना। ये इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, इसमें क्या, यथार्थ, प्रति, प्रत्यक्ष, समक्ष, आमरण, यथाशीघ्र, ये सभी क्या है, अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल है। मुझे लगता है इसमें आपको कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह की दिक्कत अब होनी चाहिए, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी तो ही अच्छा है। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद आपका अव्यय होता है, क्या होता है, प्रथम पद अव्यय भाव समास का, प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, उत्तर पद गौण होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद उपसर्ग की तरह कार्य करता है, कहे उपसर्ग ही होता है, ठीक है ना, मैं कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। प्रथम पद आ भर प्रति यथा आदि, ऐसे शब्द इसमें आएंगे, जैसे प्रतिदिन, भर पेट, यथासंभव, बेशर्म, क्या होगा आपका, बेशर्म, आपका यथाशीघ्र, आमरण, समक्ष, प्रत्यक्ष, यथार्थ, ये सभी क्या है, अव्यय भाव समास के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या, अब बात करते हैं हम लोग आपका क्या, अब बात करते हैं हम लोग दूसरे समास की, कर्मधारय समास की हम लोग बात कर लेते हैं। अरे यार हैंकर, अब ठीक है ना, तो ज्यादा हो गया था ना, चलिए नंबर दो, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास को हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, कर्मधारय समास क्या होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है, क्या, जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है और आपका प्रथम पद क्या होता है, गौण होता है, इसका उत्तर पद तो प्रधान होता है और आपका पूर्व पद आपका गौण होता है। उत्तर पद और पूर्व पद के बीच विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, किसका, विशेषण या विशेष्य का संबंध होता है, या हम कह सकते हैं और क्या होता है, और भी कुछ हो सकता है ना, हाँ, उपमान और उपमेय का संबंध होता है, क्या, उपमान और उपमेय का संबंध होता है, वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, क्या होता है, वहां आपका कर्मधारय समास कहलाता है, ठीक है, देख लिख लीजिए, जिस सामासिक शब्द का, जिस सामासिक शब्द का, जिस सामासिक शब्द का, जिस सामासिक शब्द का दोस्तों सॉरी
आवाज़ आ रही होगी, है ना, फैन चला हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब मैंने फ़ैन बंद किया है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है, सॉरी बोलता हूँ, बहुत बड़े वाला सॉरी है, क्योंकि फ़ैन चला हुआ था और मैंने ध्यान नहीं दिया कि फ़ैन की आवाज़ ये कैच करेगा और फ़ैन की आवाज़ इसमें आ जाएगी। मुझे अब याद आया कि फ़ैन चला हुआ है तो पक्का आवाज़ आ रही होगी, गर्मी लगेगी, कोई बात नहीं, आपको गर्मी में पढ़ाया जाएगा। देखिए जी, सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है और उत्तर पद और पूर्व पद के बीच तथा उत्तर पद तथा उत्तर पद और क्या उत्तर पद और पूर्व पद के बीच पद के बीच कैसा संबंध होता है, बताइए आप लोग कैसा संबंध होता है उत्तर पद और पूर्व पद के बीच विशेषण और विशेष्य का, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य या उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय का संबंध होता है। उपमान और उपमेय का संबंध होता है, उपमान और उपमेय का संबंध होता है। कर्मधारय समास कहलाता है, क्या कहलाता है, कर्मधारय या कर्मधारय, सिर्फ मात्रा लगाई कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा कर्मधारय, कर्मधारय समास कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद और पूर्व पद, उत्तर पद क्या होता है इसका, इसका उत्तर पद क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है ना, ठीक है। उत्तर पद क्या होता है आपका, प्रधान होता है। उत्तर पद और पूर्व पद के बीच विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, उपमान या फिर उपमान और उपमेय का संबंध होता है, वहां कर्मधारय समास कहलाता है। मैं बता दूं आप लोगों को, जो विशेषण होता है, विशेषण प्रथम पद होता है इसमें, हमेशा क्या होता है इसमें विशेषण अधिकतर कभी कभी विशेषण पलट जाता है, इसमें विशेषण जो है वो पलट भी जाता है, ठीक है ना, इसमें जो विशेषण है वो पलट भी जाता है। और कभी कभी मैं बता देता हूं, लिख देता हूं मैं, प्रथम पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य, उत्तर पद क्या होगा, उत्तर पद विशेष्य होगा और प्रथम पद विशेषण होता है। लेकिन कभी कभी ये बदल भी जाता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये आंकड़ा आपको बदला हुआ भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ऐसा होगा, कभी कभी ये आंकड़ा बदल जाता है, इस बात का विशेषकर आप लोग ध्यान रखिए कि प्रथम पद अधिकतर विशेषण होगा और उत्तर पद क्या होगा, विशेष्य होगा। और विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है जो विशेष्य की विशेषता बताए, विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं, क्या कहते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेष्य क्या होते हैं, संज्ञा और सवर्णनाम विशेष्य होते हैं, क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं, ठीक है। तो प्रथम पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। अब इस बात को यहीं पर रहने देते हैं और नेक्स्ट को हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों का अच्छे से क्लियर भी हो जाए और कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना रहे इसमें, ठीक है, कोई भी दिक्कत आप लोगों को इसमें ना रहे। देखिए जैसे महाकवि, जैसे महाकवि, कवि की विशेषता कैसी है,
कवि की विशेषता है कि वो महान है। मैंने कहा था कि हमेशा अधिकतर, मैंने अधिकतर में ये बात कही थी आपको कि अधिकतर जो है प्रथम पद, अधिकतर मैं लिख देता हूं अधिकतर, अधिकतर आपका विशेषण जो होता है प्रथम पद होता है। क्या होता है? विशेषण जो होता है वो प्रथम पद ही विशेषण होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये बदल जाता है। क्या होता है? आपका बदल भी जाता है, ठीक है ना। प्रथम पद विशेषण होता है, या हम इसे उपमान भी कह सकते हैं, उपमान। मैंने उपमान उपमेय भी बताया था ना आपको, और ये क्या होता है? उपमेय। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, कई बार ये स्थिति पलट भी जाती है। प्रथम पद जो है, ये मैंने आपको बता दिया, मैं फिर से लिख देता हूँ, मैं नहीं चाहता किसी भी दिक्कत को, मुझसे पढ़ने वाले को दिक्कत हो। प्रथम पद विशेष्य भी हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रथम पद आपका विशेष्य भी हो जाता है, विशेष्य। और उत्तर पद क्या हो जाता है? उत्तर पद आपका विशेषण हो जाता है। कई बार हो जाता है ऐसे, तो ऐसा नहीं है कि 100% वही वाला आंकड़ा रहेगा, अधिकतर ये भी बदल जाता है। मैंने कट लगाया, कभी कोई गलत समझाए, ठीक है। तो ये भी बदल जाता है कई बार, तो इस बात को भी ध्यान रखिए। जब विशेषण विशेष से बदला तो उपमान और उपमेय भी ऐसे ही बदल जाएगा। ये उपमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उपमेय। और ये हो जाएगा उपमान, ये हो जाएगा उपमेय। क्या हो जाएगा? उपमेय। और ये हो जाएगा उपमान, ठीक है ना। अब तो समझ में आ गया। अब भी किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, मैं फिर बता दूंगा स्टार्टिंग से, ठीक है। उपमान और उपमेय हो जाता है। अब तो आप लोग समझिए, हम बात कर रहे थे जैसे कि, जैसे महाकवि क्या होगा? महाकवि अर्थात महान है जो कवि। क्या होगा? महान है जो कवि, महान है जो कवि। देखिए कवि की विशेषता कैसी है कि वो महान है। मैंने बताया था विशेषण जिसकी विशेषता बताया उसे विशेष्य कहते हैं, और प्रथम पद अधिकतर विशेषता होती है। तो कवि की विशेषता है कि वो महान है, तो उत्तर पद क्या है? ये विशेष्य है। क्या है? उत्तर पद विशेष्य है। मैं लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए आपका। और ये क्या है आपका? विशेषण क्या होता है? ये है आपका विशेषण। महान क्या है? विशेषण। अब कुछ बच्चे कहेंगे, सर उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है? उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है, जैसे मुख चंद्र साथ, मुख चंद्र के समान सुंदर है, मुख चंद्र के समान सुंदर है, मुख चंद्र सा, है ना। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मतलब वहां चंद्र को ही खिलौना बता दिया, हम अलंकार में चले गए। लेकिन जब मैं कहूं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, अर्थात चंद्र को ही खिलौना बता दिया, तो बदल गया। लेकिन वहां उपमान, उपमान को ही उपमेय में बदल दिया। क्या कर दिया? उपमान को उपमेय बना दिया। लेकिन यहां पर क्या होता है? उपमान होता है जिससे तुलना की जाए, जैसे मुख चंद्र सा सुंदर। मुख चंद्र एक प्रेमी अपने प्रेमिका से कहता है कि तुम्हारा मुख तो चंद्र सा सुंदर है, अर्थात चंद्रमा के समान सुंदर है। मतलब चंद्रमा क्या है? वो सुंदर है, मतलब मुख से सुंदर होता है। तो चंद्रमा से तुलना की किसकी? मुख की। तो मुख क्या है? उपमान। और चंद्रमा क्या है? उपमेय है, अर्थात जिसका मान ऊंचा होता है। सॉरी, चंद्रमा क्या है? उपमान। और मुख क्या है? उपमेय है। क्या? उपमेय। उपमान, मान मतलब जिसका मान बड़ा होता है। तो हमने तुलना किससे की? चंद्रमा से की। तो चंद्रमा का मान कैसा है? वो तो हमेशा से सुंदर है ना, तो चंद्रमा सुंदर है। तो मुख चंद्र सा सुंदर है, अर्थात मुख की तुलना हमने किससे कर दी? चंद्रमा से कर दी। तो सुंदर कौन है? चंद्रमा ही है ना हमेशा से सुंदर। मुख तो सुंदर नहीं होगा, क्योंकि शादी के बाद उसका मुख सुंदर नहीं रहेगा फिर, है ना। फिर वो उसे बोलेगा, क्या बोलेगा? नकटी, यही कहते हैं ना, और वो उसे बोलेगी नकटा। तो फिर मुख जो है वो चंद्र से नहीं राहु केतु से हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? राहु केतु से मुख हो जाते हैं। वो बोलेगी कि तू तो राहु से राहु सा मुख है तेरा, तो वो बोलेगा मैं भी तुझे चंद्रमासी बताता था, तू चंद्रमासी नहीं है, तू भी केतु सी है। यही होता है ना। तो चलिए अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ये मैं मिटो रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिए इस बात का। मैंने लिख दिया अपनी कॉपी में, आपने नोट कर लिया होगा, आप समझदार होंगे तो कॉपी में आपने नोट कर लिया होगा। नंबर दो पर हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाओगे ना, तो कुछ और देखते हैं। जैसे नीलकंठ क्या है? नीलकंठ। भाई कंठ की विशेषता क्या है? देखिए अगर नीलकंठ में आपको एग्जाम में देगा नीलकंठ, तो नीलकंठ हम किसे कहते हैं? महादेव को कहते हैं, शंकर को कहते हैं, शिव शंभू को कहते हैं, कहते हैं ना नीलकंठ। लेकिन एक बात और है कि अगर नीलकंठ में आपका बहुव्रीहि दिया और कर्मधारय दिया, तो हम बहुव्रीहि के साथ जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना कि बहुव्रीहि के साथ जाएंगे, चाहे कर्मधारय भी हो वहां और आपको लगता है कि इसमें बहुव्रीहि है, तो बहुव्रीहि के साथ निकल जाओ। भाई वो बड़ा है, उसके साथ बहू है, और जिसके पास बहू होती है उसके पास सब कुछ होता है। हमारी तरह थोड़ा होते सब, है ना।
सब हमारे तरह थोड़ा होते हैं भाई, जिसका नाम ही बहुबली है अर्थात जिसके पास बहू है तो उसके पास सब कुछ है। अब हमारा एक दोस्त है, उसके पास बहू नहीं है तो उसके पास बस दोस्त ही दोस्त है, तो वो बहू वाले से छोटा हुआ है ना। तो बहू जहाँ पे आ जाए वहाँ तो बहू के साथ निकल लो भाई, तो बहुबली समास हो जाएगा। अगर नीलकंठ में आपको ऑप्शन में दे दे कि नीलकंठ में आपको दे दिया कि बहुब्रीही, क्या दिया आपको, बहुब्रीही दे दिया, तो आपको क्या करना है। और एक तरफ तो दे दिया बहुब्री, क्या दे दिया आपको बहुब्री, और एक तरफ दे दिया कर्मधारी है, और ऑप्शन दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन वो तो गलती हो गई, चार ऑप्शन में दो तो गलत हो गए, वो तो हटा दिया हमने। अब ये दोनों आए, इन दोनों में हमें चूज करना है कि कौन सा राइट होगा। तो हम बहू के साथ जाएंगे भाई, भाई अपनी बहू को कौन छोड़ता है, बहू तो वैसे भी साथ देती है, तो बहू के साथ जाएंगे। अब दोस्त से पूछ लो, मेरा दोस्त है मेरा साथ देगा क्या, घंटा अपनी बहू के साथ चला जाएगा। तो चलिए अभी ध्यान देते हैं, बहू से बाहर आते हैं, बहू जब मिलेगी जब जॉब लग जाएगी। अभी अपनी बहू से बाहर आते हैं और देखते हैं अपने एग्जाम्पल को, मैंने बता दिया, याद रखिएगा इस बात को, कॉपी में नोट मत कर लीजिएगा कि बहू की बात चल रही है ना, कभी कोई अपनी गर्लफ्रेंड को फोन कर दे अभी। तो देखिए नीलकंठ, नीलकंठ अर्थात कंठ की विशेषता है कि वो नीला है, कैसा है, नीला है। तो क्या होगा, नीलकंठ हो जाएगा, कंठ की विशेषता है कि वो नीला है, नीला है जो कंठ, क्या हो जाएगा, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। अब मैं सबका तो वो नहीं करूंगा, समझ भी गए आप लोगों को, मैंने करना बता दिया वो आप करते रहना। अभी मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, वही काफी है, अभी एग्जांपल देखिए, जैसे पीताम्बर, क्या होगा पीताम्बर। अब बोलोगे सर इसमें तो बहुबली समास है, बिल्कुल भाई मैंने तो बोल दिया जहां बहू आ जाए बहू के साथ निकल लो भाई, छोड़ना मत। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कर्मधारे की, अगर ऑप्शन में वो कर्मधारे देगा और बहुबली नहीं देगा, और अदर में आपका कर्मधारे के साथ द्विगु दे दिया, द्वंद दे दिया, तो हम किसके साथ जाएंगे, हम जाएंगे आपका किसके साथ, पीताम्बर, किसके साथ जाएंगे हम लोग, हम जाएंगे आपका किसके साथ, कर्मधारे के साथ। क्योंकि पीताम्बर इसका एक मतलब होता है पीला है अंबर जो, मतलब अंबर मतलब कपड़ा, कपड़े की विशेषता बताइए कि कपड़ा कैसा है, पीला है, पीला कैसा है कपड़ा, कपड़े की विशेषता है कि वो पीला है, कैसा है, पीला है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा एग्जांपल जो आपका मतलब ऐसा हो जाए कि आपको कुछ थोड़ा सा चेंज करके, है ना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जैसे आता रहेगा ऐसे हम लोग चेंज करते भी रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हम बदलते भी रहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए और देखते हैं, जैसे आपका हो जाएगा क्या होगा, महादेव, क्या हो जाएगा, महादेव, अर्थात देवता की विशेषता कैसी है कि वो महान है। महादेव किसे कहते हैं, शंकर शंभू को हम क्या कहते हैं, महादेव कहते हैं। लेकिन यहां पर हम अगर ऑप्शन में बहुवीर दिया तो बहू के साथ, लेकिन बहुबली नहीं दिया तो कर्मधारे के साथ, किसके साथ, कर्मधारे के। तो महान है जो देव, क्या है, महान है जो देव। जैसे और देख लीजिए महोस्दी, क्या होगा, महोस्दी, और देख लीजिए महोस्दी, महोस्दी क्या है, महोस्दी अर्थात महान है जो औषधि, औषधि की विशेषता क्या है कि औषधियों में भी महान है। जैसे आपके हनुमान जी क्या उठाकर लाए थे, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, उन्हें कहा गया था कि अगर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सकते हैं तो उस महान जड़ी बूटी से बचाए जा सकते हैं जो हिमालय पर्वत पे मिलेगी, और उसका नाम क्या है, संजीवनी बूटी। तो औषधियों में भी महान है, है ना, जो महान है जो बूटी अर्थात औषधि, महोषधि क्या कहलाएगी, महोषधि कहलाएगी, ठीक है ना। और देख लीजिए कुछ और एग्जाम्पल बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल और होना चाहिए, पीत सागर, क्या होगा, पीत सागर, हाय अल्लाह, पीत सागर ऐसे कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं ना, हाय अल्लाह, हाय भगवान, हाय ईश्वर, सब एक ही तो है, अलग कौन है, है ना, सब एक ही तो है, सब एक ही साथ तो चलते हैं ना। अब हमारे दोस्त यहीं पे बैठे हो और हमें देख रहे हैं, बात तो वही हो गई, हमारे पास तो दोस्त है, बस बहू तो नहीं है, तो दोस्त के साथ ही जाएंगे अब हम। तो चलिए दोस्तों आज के लिए देखिए, पीत सागर अर्थात पीत सागर की विशेषता क्या होगी, कि सागर कैसा है, सागर पीत है जो सागर, क्या है, पीत है जो सागर, सागर की विशेषता है कि वो पीला है, पीत है।
ठीक है दोस्तों, तो आज आपका दो समास हमने क्लियर किए, बहुविधि और बहुत मजे से क्लियर किए, और आपका बहुविधि नहीं किया, बहु की बात फिर करेंगे बाद में, सबसे बाद में बहु की बात करेंगे, ठीक है। आज अभी पढ़ाई की बात करते हैं, आपका अव्यभाव और कर्मधारय। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, और हाँ, सुबह 6 बजे करंट अफेयर क्लास होती है डेली, आपकी प्यारी मैडम की क्लास होती है, नाम है नीतू चौधरी। तो प्लीज़ करंट अफेयर क्लास लीजिए, बहुत अच्छे से कराती है मैडम, एक बार आइए और देखिए कि मैडम कैसे कराती है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इतनी अच्छी क्लास चली है, इतनी मस्ती हुई है आज क्लास में। तो उम्मीद तो करूँगा कि लाइक तो बनता है ना, तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपका परिवार स्वाध्याय श्री आपसे बस यही उम्मीद करता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपका दिन आज का बहुत अच्छा होगा, शुभ होगा। धन्यवाद।